आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, बस देखना शुरुआत करो, वीडियो को पूरा देखना और जैसा भी आपको समझ में आए कमेंट जरूर करना, ठीक है। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहले आपको क्या मैंने क्या बताया, चैप्टर है प्रॉब्लम ऑफ पेन। ये नोट्स आप इसकी जो पीडीएफ है आप डाउनलोड करेंगे, अपने वीडियो को जैसे आप देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे पोस्ट होते ही, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, फिर पढ़ना शुरुआत करेंगे। सारे वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। चलिए तो देखो पहले आप जो पॉइंट लिखे हैं, पहले आपको मैं पॉइंट समझा दूँ, लिख के मैंने दिए हैं, एक बार समझा देते हैं, सुने समझे समझें क्या मैं पॉइंट बता रहा हूँ, सुने। देखिए जब भी हम बात करते हैं कि जब भी कोई ट्रेन, ये माना है ट्रेन है, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये एक व्यक्ति है, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, खंबे, पेड़, वाइल्ड स्टोन को पार करती है तो वो अपनी लंबाई चलती है। यही पहला पॉइंट है, यही पे आपका पहला पॉइंट है, सुनना समझना। जैसे आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आप खुद इमेजिन करो कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और आप किसी गाड़ी को पार करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, गाड़ी के बराबर चलना होगा, या गाड़ी आपको पार करना चाहती है तो गाड़ी को पूरी अपनी लंबाई चलनी होगी। तो पॉइंट क्या सीखा आपने, पहला पॉइंट आपने ये सीखा कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, खंबे, पेड़ या वाइल्ड स्टोन को पार करती है तो वो अपनी लंबाई चलती है। ये पॉइंट समझ में सभी को आ गया होगा। चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, जब भी कोई ट्रेन किसी अन्य ट्रेन को, ठीक है, या किसी डिब्बे को, या किसी रेलगाड़ी को, या किसी पुल को, या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो गाड़ी जो है वो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई पार करती है। ये मैंने दो पॉइंट ही आपको लिख के दिए, आपको समझ में आ गए होंगे। पहला पॉइंट क्या था, जब भी कोई ट्रेन, आप थोड़ा इमेजिन करना, आप किसी स्टेशन पे खड़े हो, कोई गाड़ी आपको पार करना चाहती है तो गाड़ी को आपके सामने से पूरा निकलना होगा। पहला पॉइंट ये था कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, खंबे, पेड़ या वाइल्ड स्टोन को पार करेगी तो अपनी लंबाई चलेगी। दूसरा पॉइंट क्या था, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, गुफा, पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई चलती है। अब देखिए सीट में जो पहला सवाल है, सीट का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला सवाल समझिए, क्वेश्चन भी आप लोग कर पाएंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो। देखिए सुने सवाल समझे, क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 4 सेकंड में पार कर जाती है, वही रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, वही रेलगाड़ी की चाल व लंबाई क्या है। पूछा गया है रेलगाड़ी की चाल व लंबाई क्या है, आपसे ये पूछा गया है। कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए, कितना आसान सवाल है, केवल अगर आपने आकृति बनाना सीख लिया तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, बस ध्यान देना, सुनना समझना। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है, वही रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 120 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, गाड़ी की चाल व लंबाई क्या है। अच्छा बताओ, जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो वो अपनी लंबाई चलती है, मतलब पहले पॉइंट में दिया है कि गाड़ी अपनी लंबाई पार करती है 4 सेकंड में। दूसरा पॉइंट क्या बताया था, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, गुफा, पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई चलती है, तो यहाँ पे क्या है, अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई चलती है 10 सेकंड में। देखो दोनों की लंबाई में किसका अंतर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई का अंतर है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई का अंतर कितना है, 120 मीटर। इनके समय का अंतर कितना है, 6 सेकंड। गाड़ी की चाल कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड, ये है गाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर गाड़ी की चाल 20 आ गई है, 4 सेकंड में कितना जाएगी, 80 मीटर। पूछा गाड़ी की लंबाई क्या है, 80 मीटर, चाल क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना, सुनना केवल समझना। देखो जब भी किलोमीटर प्रति घंटे की बात करें और मीटर पर सेकंड की बात करें, देखो आपको ये पता है कि कब 5/18 करते हैं, कब 18/5 करते हैं, अगर नहीं पता है तो सीखो, समझो, देखो कैसे करते हैं। जब बड़े में चेंज करना हो तो बड़े का गुणा, छोटे में चेंज करना हो तो छोटे का गुणा, ये यहाँ पे बड़ा है, ये यहाँ पे छोटा है, चेंज करने का मेथड क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे दिया है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। 1 किलोमीटर में मीटर कितने हुए, 1000, 1 घंटे में सेकंड कितने हुए, 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना मिला, 5/18। ये करने का मेथड है, मैंने आपको डायरेक्ट बताया, जब किलोमीटर प्रति घंटा 5/15 में चेंज करना है 18/5, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है 5/18। अब सुनना, 18 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर होगा 5 मीटर पर सेकंड,
अब जैसे क्वेश्चन ने 20 बोला था, इसका 4 गुना था, 4 गुना ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, खत्म हो गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला सवाल के अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन जो सीट में दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा पहले। क्या सवाल? एक बैलगाड़ी 96 मीटर लंबे, एक बैलगाड़ी 96 मीटर लंबे, एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, तथा वही रेलगाड़ी 141 मीटर लंबे एक दूसरे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल व लंबाई क्या है? पूछा है गाड़ी की चाल व लंबाई क्या है, क्या करना है? देखो, एक रेलगाड़ी जो है वो 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला था। बनाते हैं, एक रेलगाड़ी जो है वो 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। एक दूसरी रेलगाड़ी जो है वो 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। पूछा क्या है? गाड़ी की चाल व लंबाई। अच्छा ये बताओ, दोनों ट्रेनों में लंबाइयों का अंतर कितना है? 45। समय का अंतर कितना है? 3। यही तो है गाड़ी की चाल, 15 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में चेंज करना, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना, तुम्हें बिना पेन चलाए आना चाहिए। कैसे? 5 है 18 और 15 है 54। तो अगर आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया जाए तो आंसर क्या होगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा अब यहाँ पे ये बताओ, गाड़ी की चाल अगर आ गई 15 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में अगर वो 15 मीटर जाती है तो 12 सेकेंड में क्या, 15 × 12 180 सेकेंड, 180, 15 × 12 कितना हुआ? 180 मीटर जाएगी। 180 में ये कितना है? 96। अगर ये 96 है तो ये कितना बचा? 84। 180 में 96 को माइनस किया, कितना बचा? 84। गाड़ी की लंबाई कितनी है? 84 मीटर। गाड़ी की चाल कितनी है? 54 मीटर पर सेकेंड। अगर आंसर मीटर पर सेकेंड में दिया है तो 15 मीटर प्रति सेकेंड। उम्मीद है आपको टाइप 1 समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताइए समझ आया कि नहीं आया। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला सवाल आपके सामने नेक्स्ट है, टाइप 2। टाइप 2 क्या है, ध्यान दीजिए, सवाल समझिए, सवाल है क्या? देखो पहले आपको टाइप सिखा दूं, टाइप समझना कुछ नहीं, बहुत आसान टाइप है, सुनना। ये आपका खाली टाइप है, जब भी दो ट्रेनों की डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन क्या होगी? सेम। डायरेक्शन जब सेम होगी तो चालें क्या होती हैं? घटती हैं। चालें क्या होती हैं? घटती हैं। डायरेक्शन सेम में चालें क्या होती हैं? घटती हैं। ये तो आपको पता है, डायरेक्शन सेम में चालें क्या होंगी? घटेंगी। अब दो ट्रेन अगर एक दूसरे की ओर आ रही हैं, अगर दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर आ रही हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो जल्दी मिलेंगी, और जब जल्दी मिलेंगी तो चालें क्या होंगी? जुड़ेंगी। डायरेक्शन सेम में चालें घटती हैं, एक दूसरे की ओर आएंगी तो चालें क्या होंगी? बढ़ेंगी। अब सवाल सुने, सवाल क्या है? देखो, जब भी कोई ट्रेन किसी अन्य ट्रेन को पार करे, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, जब भी कोई ट्रेन किसी अन्य ट्रेन को पार करे उनकी लंबाइयां हमेशा होती हैं, डायरेक्शन सेम हो चाहे अपोजिट हो, डायरेक्शन सेम हो चाहे कैसी हो, अपोजिट हो, उनकी लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन जो आपको बोला गया, सवाल क्या है देखिए, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक गाड़ी उसे 4 सेकंड में पार कर जाती है, उस गाड़ी की विपरीत दिशा से आने वाली गाड़ी उसे 5 सेकंड में पार कर जाती है, दोनों गाड़ियों की लंबाइयां एक समान हो, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से आप लोग कोशिश करो कैसे करना है, फिर आपको समझाते हैं क्वेश्चन किस टाइप के कैसे करने होते हैं, ठीक है। पहले आप लोग कोशिश करें, पहले आप लोग कोशिश करें क्वेश्चन कैसे करना है, आप सभी लोग कोशिश करें, ठीक है, आप सभी लोग कोशिश करें कैसे करना है। तो ये अपने आपको देखो, अगर मैं इसका बेसिक बताता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा है, और बेसिक नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन केवल 5 सेकंड का है। एक बार बेसिक बताते हैं, बाद में आसान करते हैं। सवाल सभी ने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन दोबारा देखिए समझिएगा। सवाल ये था, एक रेलगाड़ी एक खंबे को या एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है, एक दूसरी गाड़ी जो इसकी विपरीत दिशा से आ रही है, इसकी लंबाई वही है जो पहली गाड़ी की लंबाई है, इसे 5 सेकंड में पार कर जाती है। उससे पूछा है अगर दोनों गाड़ियां एक दूसरे को पार करें कितना समय लेंगी, या इनकी उसने पूछा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। देखो, जब भी कोई गाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई चलती है, अपनी लंबाई इसकी एक्स मानी है, अगर इसकी चाल निकालोगे तो चाल क्या हो जाएगी? दूरी बटे समय। इसकी आप चाल निकालोगे तो जिसकी जो चाल हो जाएगी दूरी बटे समय, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात समझ आ गई होगी। जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं उनकी लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं, तो टोटल लंबाई की बात करेंगे 2x हो जाएगा,
इस गाड़ी की चाल है एक्स बटे चार, इस गाड़ी की चाल है एक्स बटे पांच। एक्स बटे चार प्लस एक्स बटे पांच का एलसीएम आ गया 20, ये आ गया 5x, ये आ गया 4x, कितना आ गया 9x/20। ये यहाँ पे क्या है, इसकी चाल है। कुल दूरी बटे, देखो आपको क्या निकालना है, कितने समय बाद मिलेगी, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी 2x हो गई, चाल हो गई 9x/20, ये कट गया 40/9 का मतलब 4 से ही 4/9 सेकेंड में वो एक दूसरे को पार करेंगे। अगर आप इसे आसान करना चाहते हो, सुनना समझना, पहली गाड़ी को समय कितना लगता है 4, फिर कितना लगता है 5, एक ऐसी लेंथ मानो जो कट जाए, गाड़ी की लंबाई को आपने इससे 20 माना, इसे 20 माना, तो टोटल लंबाई 40 हो गई। ये समय है तो ये चाल हुआ, ये समय है तो ये चाल हुआ, टोटल चाल ये हुई, क्वेश्चन का आंसर हुआ, उम्मीद है समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन का बिल्कुल आसान मेथड कैसे हमें एग्जाम में करना है, और ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड कमेंट करके बताएं समझ आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताएं समझ आया कि नहीं आया। क्वेश्चन बहुत आसान है, जल्दी से कमेंट करें समझ आया कि नहीं आया। प्रशांत जी को सही है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिएगा, अगला सवाल जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन देखिए समझिएगा, नेक्स्ट टाइप आपको दिया गया है, नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन ये है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक गाड़ी उसे 10 सेकंड में पार कर जाती है, उसकी विपरीत दिशा से आने वाली दूसरी गाड़ी उसे 15 सेकंड में पार कर जाती है, दोनों गाड़ियों की लंबाइयां एक समान है, दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, कितना आसान करना है, केवल दिमाग लगाना और देखना। पहले पार करती 10 सेकंड में, फिर पार करती है 15 सेकंड में, टोटल लंबाई क्या मानोगे, 30, लंबाई क्या मानोगे, 30, ये पहली गाड़ी भी 30, दूसरी गाड़ी भी 30, तो टोटल लंबाई 60 हो गई, 10 का भाग दिया 3, 15 का भाग दिया, टोटल समय ये हो गया, बस क्वेश्चन का आंसर हो गया, खत्म हो गया। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे एग्जाम में कैसे करना है, आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखें, अगला सवाल आपको बोला गया है, प्लेटफॉर्म पर खड़े, सवाल ध्यान से पढ़िएगा, सवाल बहुत अच्छा है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया एक गाड़ी उसे 6 सेकंड में क्रॉस कर गई, एक गाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। आगे बोला उसी गाड़ी की विपरीत दिशा से आने वाली एक दूसरी गाड़ी, उसी दिशा से विपरीत दिशा में आने वाली एक दूसरी गाड़ी उस रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार कर जाती है, यदि दूसरी गाड़ी की लंबाई पहली गाड़ी की लंबाई से 3 गुनी हो, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, दूसरी गाड़ी की लंबाई पहली गाड़ी की लंबाई से 3 गुनी। आप इसको अगर बेसिक करोगे क्वेश्चन 1 मिनट का, आसान करोगे क्वेश्चन 10 सेकंड का, समझना कैसे करना है मैं आपको ये समझा रहा हूँ कैसे करना है, देखिए समझिए, सभी ने सवाल पढ़ लिया होगा, ध्यान देना सुनना समझना। यहाँ बोला है पहली रेलगाड़ी की लंबाई से 3 गुना, तो पहली गाड़ी की लंबाई से 3 गुना मतलब दूसरी गाड़ी की लंबाई क्या है, 3 गुना, पहले समय लगता है 6 और बाद में समय लगता है 9, कैसे करना है ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे बोला है कि पहले जो उसे समय लगता है वो लगता है 6 सेकंड, बाद में जो समय लगता है वो लगता है 9 सेकंड, लंबाई कितनी मानोगे 18, इसे मानोगे 18 तो इसे मानोगे 54, ऐसा क्यों, वो सवाल ने बोला है दूसरी गाड़ी की लंबाई पहले से 3 गुनी है, एक को 18 माना तो एक को क्या मानोगे 54, तो टोटल लंबाई की बात करेंगे 72 हो जाएगा, इसकी चाल निकालोगे 3 आएगा, इसकी चाल निकालोगे 6 आएगा, टोटल कितनी चाल 9 आ गई, समय कितना आ गया 8 सेकेंड, यही क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को इससे आसान नहीं किया जा सकता, इस सवाल को इससे आसान नहीं किया जा सकता, उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे, आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, अब क्वेश्चन को बेसिक कैसे करोगे ये आप लोग देख लीजिएगा, मैंने नोट्स में लिख के दिया है कि आप इस क्वेश्चन को बेसिक कैसे करोगे, ये मैंने नोट्स में आपको लिख के दिया है, तो आपका यहाँ टाइप हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक गाड़ी उसे 5 सेकंड में पार कर गई तथा उसी दिशा में, क्या बोला, उसी दिशा में, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन क्या है, सेम, डायरेक्शन सेम में चालें क्या होती है, घट जाती है, बस ये समझना है। देखो पहले पार करती है 5 सेकंड में, बाद में पार करती है 7 सेकंड में, 5 और 7 से कट जाए, लंबाई मानी 35, पहली गाड़ी की लंबाई 35, दूसरी गाड़ी की लंबाई 35, टोटल लंबाई 70 हो गई, इसकी समय ये चाल या गई समय है तो ये चाल आ गई, इसकी चाल आ गई, चालों का अंतर क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, क्वेश्चन का आंसर 35 सेकंड। सवाल को लिखना सीख जाइए आप क्वेश्चन कर पाएंगे, सवाल बहुत आसान था। ये हो गया आपका टाइप 1 और ये हो गया आपका टाइप 2, आगे चलते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 में क्या सवाल है ध्यान दीजिए समझिए, टाइप 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन बोला है एक ही दिशा में जा रहे दो व्यक्ति
एक ही दिशा में जा रहे दो व्यक्ति जिनकी चालें 2 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। इनके पीछे से आ रही एक गाड़ी इन व्यक्तियों को 9 सेकंड व 10 सेकंड में पार कर जाती है। पहला क्वेश्चन, गाड़ी की चाल क्या है? दूसरा क्वेश्चन, उसकी लंबाई क्या है? सवाल आप सभी ने पढ़ लिया होगा, ध्यान दीजिए कैसे करना है, समझिएगा, देखिएगा। ये एक रेलगाड़ी है जिसकी कोई चाल है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसे पार करने में 9 सेकेंड लगता है, इसे पार करने में 10 सेकेंड लगता है, और पूछा क्या है इसकी चाल। देखो, जब ये ट्रेन इसके सापेक्ष जाएगी तो चाल x-2 हो जाएगी, जब ये ट्रेन इसके सापेक्ष जाएगी तो चाल x-4 हो जाएगी। क्यों? डायरेक्शन सेम में चालें घटती हैं, बात सभी को मालूम है। ट्रेन यहाँ पर भी व्यक्ति को पार कर रही है और यहाँ पर भी व्यक्ति को पार कर रही है, और दोनों लंबाई आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। आपके मन में एक सवाल होगा, सर ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये समय सेकेंड में है, तो जब आप चेंज करोगे, सेकेंड को घंटे में चेंज करोगे या किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे, जैसा भी करोगे बराबर के दोनों ओर करोगे, और जब दोनों ओर करोगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आपने इसको सॉल्व किया, ये हो गया 9x-, कितना 18, ये कितना 4x-, कितना 14, ये हो गया कितना, सॉरी 10x, कितना हो गया, 10 का गुणा कराना है ना, तो क्या हो जाएगा 10x- कितना 40, तो यहाँ से x का मान कितना मिला 22, यही तो इसकी चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटे। चाल कितनी है? 22 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये बताओ, अगर 22 वाली जो ट्रेन की चाल है पहले के सापेक्ष जाएगी तो क्या चाल 20 नहीं हो जाएगी? अगर ये ट्रेन पहले व्यक्ति के सापेक्ष जाएगी चाल कितनी हो जाएगी? 20। 20 को मीटर पर सेकेंड में चेंज किया, गुणे समय कराया, इससे काटा 2 मिला, 100/2 50 मीटर, क्वेश्चन का आंसर। अगर आपने कहा सर हम दूसरे के सापेक्ष ले लें तो देखो 22 अगर इसके सापेक्ष जाएगी तो 22 में 4 कम होगा 18, 18 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, सबने पढ़ा है ना, और 5 × 10 तब भी आंसर क्या है 50। उम्मीद है आप कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, आपको ये बात समझ आ गई होगी, आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला समझिएगा, अगला क्वेश्चन आपको यह सीट में देखिएगा, समझिएगा। अगला क्वेश्चन बोला ये आपका था टाइप 3, टाइप 3 यहाँ से हो गया। एक सवाल और देख लीजिए, एक ही दिशा में जा रहे दो व्यक्ति जिनकी चालें 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक गाड़ी इनके जो पीछे से आ रही है इन व्यक्तियों को 9 सेकंड व 10 सेकंड में पार कर जाती है, गाड़ी की चाल व लंबाई क्या है? तो सवाल सेम ऐसे ही जो पहले था, बस ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए। एक ट्रेन इसी दिशा में जा रही है दो व्यक्ति, एक की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, एक की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, पार करती है 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में। अब सुनो, देखो जब ये ट्रेन इसके सापेक्ष जाएगी x-3, इसके सापेक्ष x-9, पहले जो समय है 9 और बाद में जो समय है 10, ये हो गया 9x-27, ये हो गया 10x-60, तो x का मान कितना आ गया 33, 33 किलोमीटर प्रति घंटे ये इसकी चाल हो गई। 33 अगर पहले के सापेक्ष जाएगी, 33 में 3 कम हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, ये दिया था किलोमीटर प्रति घंटे में, मीटर पर सेकेंड में चेंज किया और समय दिया है 9, आपने 150/2 किया, क्वेश्चन का आंसर 75 मीटर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। गाड़ी की चाल अगर पूछी है, चाल कितनी है 33 किलोमीटर प्रति घंटे और लंबाई कितनी है 75 मीटर। यह आपके यहाँ से टाइप 3 हो गया है। आगे चलते हैं टाइप 5, टाइप 4 की ओर। टाइप 4 में क्या दिया है, ध्यान दीजिए, समझिए। टाइप 4 में क्या दिया है, सुरेश अपनी यात्रा का 2/5 भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे का चलता है, 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और शेष दूरी को 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, यानी चारों की औसत चाल से उसे 4.5 घंटे का समय लगता है, तो वह दूरी कितना है? यहाँ पे क्या होगा, सबसे आसान ये होता है कि आप नंबर्स मान लें। क्वेश्चन नंबर्स कैसे मानेंगे आपको ये सिखाते हैं, सुनना समझना। तो वो पहले वो कौन सा हिस्सा गया, पहले आप ये देखो, तो जैसे उसने बोला कि पहले वो कौन सा हिस्सा गया, तो सवाल में बोला है कि पहले वो 2/5 हिस्सा गया, पहले वो 2/5 हिस्सा गया, ध्यान दीजिए सुनिए समझिए, पहले वो 2/5 हिस्सा गया, इसके बाद वो क्या गया 1/3 हिस्सा गया, इसके बाद क्या गया वो शेष दूरी गया, 3 और 5 कुल दूरी को 15 के मल्टीपल में मान लीजिए। आपने क्या किया, कुल दूरी को केवल यहाँ मान के किया है, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, देखना समझना और सीखो, कुछ नहीं बहुत आसान है। आपने देखो बटे में क्या था 3 और 5 जो भी था उसमें, तो वो पहले उसमें जो दूरी का रेशियो आ जाएगा 6, 5 और 4 ये आ गया,
ये पहले की चाल थी, ये दूसरी की चाल थी, ये तीसरे की चाल थी। जैसे आपने पंद्रह माना था, पंद्रह का 2/3 करोगे तो पंद्रह का 2/5 करोगे, पंद्रह का 2/5 छः आ जाएगा, ये छः आ जाएगा, ये पाँच आएगा, ये चार आ जाएगा। अब इसकी चाल कितनी है, 24 है, ये कितनी 60 है, ये कितनी 96। मेन मकसद होता है जीरो बढ़ा ले, डिस्टेंस मान ले, कर ले, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना। 24 से कट जाए तो 24 का गुणा करा दो सभी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये डिस्टेंस आ गई कितनी, 24 × 4 144। आपने जैसे 24 का भाग दे दिया तो इसका समय आ गया। यहाँ पे देखो इसका सबका समय आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सभी का समय आ जाएगा। और जब सभी का समय आ जाएगा, आपने क्या किया, सबका समय आ जाएगा, तो जब समय इतना है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन ने बोला है तो उसे 4.5 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है, 4.5 घंटे। समय वहां से आ जाएगा, तुलना करा लो क्वेश्चन का आंसर। चलिए सॉल्व कर देते हैं, आपके सामने सॉल्व कर देते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। सुनो देखो, पहले 2/5 हिस्सा गया, फिर 1/3 हिस्सा गया, बाद में शेष भाग गया। बटे में क्या है, 5/3, तो माना हमने 15। 15 का 2/5 किया तो कितना मिला, 6 मिला। 15 का 1/3 किया तो 1/3 कितना, 1/3 कितना, 5 मिला, फिर कितना माना, 1। पहले जो इसकी चाल है कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। बाद में इसकी जो चाल है वो कितनी है, 24 के बाद कितनी है, 60 है। इसके बाद जो इसकी चाल है वो कितनी है, 96 है। नंबर ऐसा मानना जिससे वैल्यू पूरी पूरी कट जाए, जिससे वैल्यू क्या हो, पूरी पूरी कट जाए। तो ध्यान देना, सुनना, समझना। हमने क्या किया, अगर यहाँ पे तुम, अगर तुम ऐसा कर दो कि देखो गुणा जो है ये 24 है, ये 60 है, 96, नंबर ऐसे मानो जो कट जाए, कुछ नहीं, बहुत आसान है। जैसे आपने यहाँ 24 कर लिया, 24 का गुणा करा दिया, मानो आपने 24 गुणा करा दिया, तो इससे ये समय आ गया 6 घंटे। इससे अगर 24 × 6 120 समय आ गया 2 घंटे, और ये आपके कितना हो गया, शेष 6 5 11, शेष 4 बचा, तो ये कितना आ गया समय, 1 घंटे। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुल समय कितना है, 9 घंटे, 6 2 8 1 9। तो डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 144, ये डिस्टेंस है 120, ये डिस्टेंस है 96। कुल डिस्टेंस कितनी है, तो बात करते हैं, देखना सुनना, कुल डिस्टेंस कितनी है, 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 और 11, 11 और 4 कितना, 11 4 15, 1 16 का 6 हासिल लगा 1। कुल डिस्टेंस 360 है, कितनी है, 300। समय इसका आधा दिया है तो 180 किलोमीटर, यही क्वेश्चन का आंसर है। बस सवाल कुछ सिंपल सा समझना है, कैसे हमें वैल्यू माननी है, क्वेश्चन को बिल्कुल आसान कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात सभी को समझ आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे। यहाँ से आपका टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया, आगे पढ़ाएंगे। कल कल के बैच में भी टाइपिस्ट नहीं था, इसलिए आपके टाइम में जितने क्वेश्चन कम टाइप हो पाए थे, और अब कल आपको आवाज़ कम आ रही थी, इसलिए शायद वो क्लास नहीं हो पाएगी। लेकिन आगे आपको हम पढ़ा रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का एक पार्ट है प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन, और यहाँ पे आपको कुछ हम नया सिखाने चल रहा है। ध्यान दीजिए, समझिए, देखिएगा। देखिए आज के जो क्वेश्चन है वो टाइप 4 के हैं, अगर आपके पास सीट है तो सीट के टाइप 4 के हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँगा, जैसे कॉन्सेप्ट कौन से हैं, ट्रेन मिलने वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मिलने के बाद वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँगा, तो पहले आप एक पेन कॉपी लेके बैठें, अगर आप वीडियो देख रहे हैं पेन कॉपी लेके बैठे, तो यहाँ पे आप लोग सीखने वाले हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट, ठीक है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलते हैं, ध्यान दीजिए, समझिए, देखिए कैसे करना होगा, कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान दीजिए, देखिए। जैसे बात करते हैं, कि आपको दो ट्रेनें दी गई, आपको कोई दो ट्रेनें दी गई, और दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर आ रही हैं। जैसे एक ये स्थान है और एक ये स्थान है, ये माना अपना कानपुर है और ये लखनऊ है। एक ट्रेन चली है सुबह 7 बजे कानपुर से, सुबह 7 बजे चली है कानपुर से, और ये लखनऊ पहुंचती है, 9 बजे, लखनऊ पहुंचती है 9 बजे सुबह पहुंच जाती है। एक सुपर फास्ट ट्रेन है जो यहाँ से चलती है 7 बजे, 7 बजे चलती है लखनऊ से, और ये कानपुर पहुंच जाती है, 8 बजे कानपुर पहुंचती है 8 बजे। सवाल ये बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय बाद क्रॉस करेंगी या कितने बजे क्रॉस करेंगी, कितने समय बाद क्रॉस करेंगी या कितने बजे क्रॉस करेंगी, ये क्वेश्चन बनता है। कैसे करना होता है, ध्यान देना, सुनना, समझना। देखो पहली ट्रेन कानपुर से जा रही है, कहाँ जा रही है, लखनऊ जा रही है, और दूसरी लखनऊ से जा रही है, कहाँ जा रही है, कानपुर जा रही है। तो दोनों ट्रेन क्या है, एक दूसरे की ओर आ रही है। ये आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि जो दोनों ट्रेन है वो एक दूसरे की ओर आ रही है। अच्छा, जब ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी तब तो क्या कंडीशन बनेगी, ध्यान देना सुनना। ये ट्रेन कानपुर से लखनऊ जा रही है, ये ट्रेन लखनऊ से कानपुर आ रही है, और दोनों जहाँ मिलेंगी, माना रास्ते मिलेंगी, माना कहीं भी रास्ते में मिलेंगे, तो कानपुर वाली गाड़ी भी अभी लखनऊ नहीं पहुँची है और लखनऊ वाली भी अभी कानपुर नहीं पहुँची है। दोनों ट्रेनें क्या है, रास्ते में है,
कुछ दूरी कानपुर वाली ट्रेन चली, कुछ दूरी लखनऊ वाली ट्रेन चली और दोनों लोग दोनों ट्रेनें रास्ते में मिल गई। मतलब कुछ दूरी ये चली है और कुछ दूरी ये चली है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो डिस्टेंस लेनी है वो एक तरफ की लेनी है। ठीक है, पहली ट्रेन को जाने में लगने वाला समय, पहली ट्रेन को लगने वाला समय 7 से 9, समय लगा 2 घंटे। इस ट्रेन को लगने वाला समय, समय लगा 1 घंटा। पहली ट्रेन को समय लगा 2 घंटे, इसको लगा समय 1 घंटे। आपने कोई डिस्टेंस मान ली 2, एक ऐसा नंबर माना जो इनसे कट जाए, डिस्टेंस को मान लिया 2। ये समय लगा तो ये इसकी चाल है, ये समय लगा तो ये इसकी चाल है। और आपसे पूछा है कितने समय बाद मिलेंगे, आपसे क्या पूछा है कितने समय बाद मिलेंगे। आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो लेनी है एक तरफ की लेनी है, डिस्टेंस यहाँ पे 2 है, चालों का योग 3 है। चालों का योग क्यों करना है, क्योंकि तो एक दूसरे की ओर आ रही है ना, तब एक दूसरे की ओर आ रही है, चालों का योग कितना है 3 है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि 2/3 घंटे बाद मिलेंगी, 2/3 घंटे के बाद मिलेंगी। 2/3 घंटे को अगर आप मिनट में चेंज कर लें, जैसे आपने इसे मिनट में चेंज किया तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया ये 40 मिनट के बाद मिलेंगी। कब मिलेंगी, 40 मिनट के बाद मिलेंगी। पहला सवाल यहाँ पे यही बनेगा कितने समय बाद मिलेंगी, तो आंसर है 40 मिनट बाद। कितने बजे मिलेंगी, दोनों ट्रेन के चलने का समय 7 बजे था, कितने बजे मिलेंगी, तो 7:40। तो ये दोनों का आंसर हो गए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेंगी, आंसर है 40 मिनट बाद। कितने बजे मिलेंगी, आंसर है 7:40 बाद। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी ने प्रैक्टिस सेट में देखा होगा, पढ़ा भी होगा। ये एक इसका कॉन्सेप्ट बना, मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, आप इसे नोट कर लें, समझ लें। बहुत अच्छा सवाल है, तो आप लोग इसे समझ लें कि इस क्वेश्चन को इस टाइप के जितने भी सवाल होते हैं सारे ऐसे ही करने। सभी को समझ आ गया होगा, सभी को समझ आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए समझ आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइए समझ आया कि नहीं आया। सबको समझ में आ गया, चलिए एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, एक कॉन्सेप्ट और देखिए समझिए, एक कॉन्सेप्ट और। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये बना, जैसे आपसे बोला गया एक ट्रेन यहाँ से 6 बजे चली, एक ट्रेन यहाँ से 6 बजे चली, 6 बजे सुबह चली है। ठीक है, और ये है प्लेस है मथुरा, मथुरा चली है सुबह 6 बजे, और ये दिल्ली पहुंची है 7 बजे, दिल्ली पहुंची है 7 बजे, सुबह 7 बजे मथुरा से दिल्ली पहुंच गई। दूसरी ट्रेन मथुरा से चली है 6 बजे, और ये दिल्ली पहुंची है 7:30 बजे, दिल्ली पहुंची है 7:30 बजे, ये चली है दिल्ली से और पहुंची कहाँ है मथुरा। पहला सवाल ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि ये ट्रेनें कितने समय के बाद मिलेंगी, और दूसरा क्वेश्चन है कितने बजे मिलेंगी। सभी लोग कोशिश करें और आंसर कमेंट करें, सभी लोग कोशिश करें और आंसर कमेंट करें जल्दी से। आप सभी लोग कोशिश करें और इसके आंसर को कमेंट करें। आप सभी लोग कोशिश करें, उसका आंसर कमेंट करें। ठीक है, नहीं समझ में आएगा मैं आपको दोबारा बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा, 4 बार बताऊंगा, लेकिन यूट्यूब पे आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको समझ में आए। मनीष धन्यवाद आपका। जल्दी से जो लोग पेन कॉपी लेके बैठे हैं जल्दी से इसका आंसर दें। रामकिशोर ने बोला है 6:36, रामकिशोर बहुत अच्छे। रति कोहली जी कह रहे हैं हाँ सर, चलिए समझाओ कैसे करना है, देखना सुनना। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ सर, पहली ट्रेन चली 6 बजे है, पहुंची 7 बजे है, तो ट्रेन को जाने में लगा समय 1 घंटा है, न जाने में लगा समय कितना है 1 घंटा। दूसरी ट्रेन चली 6 बजे है, पहुंची 7:30 बजे है, तो जाने में लगा समय 1.5 घंटे है। एक ऐसी डिस्टेंस मानो जो कट जाए, तो आपने डिस्टेंस को 3 मान लिया, माना डिस्टेंस कितनी है 3 है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अगर 1 का भाग दोगे इसकी चाल आएगी, 1.5 का भाग दोगे इसकी चाल आएगी। ये पहली ट्रेन की चाल है, ये दूसरी ट्रेन की चाल है। उसने पूछा क्या कितने समय बाद मिलेंगी, तो आप सभी ने ये सीखा कि जब भी समय की बात करता है, समय क्या होता है दूरी बटे चाल होता है। अब एक मन में क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पे हम दूरी क्या लेंगे, तो मैंने आपको क्या कहा कि जब भी ट्रेन मिलेंगी रास्ते मिलेंगी, और रास्ते का मतलब ये है कि जो पहली वाली ट्रेन है कुछ दूरी ये चली है, दूसरी वाली ट्रेन है कुछ दूरी ये चली है और रास्ते में मिल गई है, तो डिस्टेंस हमें एक तरफ की लेनी है। और ये वाली ट्रेन इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है,
ये मथुरा से जा रही है, ये दिल्ली से आ रही है, एक दूसरे की ओर आ रही है, तो चालें वहाँ पे क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो अगर टोटल चाल की बात करें तो देखो, डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस यहाँ पे 3 हो गई, टोटल चाल की बात करते हैं तो 5 हो गया। 3/5 घंटे बाद मिलेंगी, क्वेश्चन का आंसर ये भी दिया जा सकता है कि 3/5 घंटे बाद मिलेंगी। उससे बोला कितने मिनट बाद मिलेंगी, तो गुणे 60 करा लिया। जैसे हमने गुणा 60 कराया तो 36 मिनट बाद मिलेंगी, ये बात सभी को समझ आ गई है कि ट्रेनें 36 मिनट के बाद मिलेंगी। अब उसने पूछा कितने बजे मिलेंगी, क्या पूछा कितने बजे मिलेंगी, चलने का समय 6 है और 36 मिनट बाद मिली तो 6:36 पे मिली, यही क्वेश्चन का आंसर है कि 6:36 पे मिली। उम्मीद है ये बात सभी को समझ आ गई होगी, आप सभी लोग इसे कर लेंगे, शाबाश, बहुत अच्छे, आप सबको ही समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ऐसा और देखते हैं, फिर टाइप चेंज कर देंगे। एक क्वेश्चन ऐसा और देखते हैं, इसके बाद टाइप चेंज कर देंगे, ठीक है। टाइप का नाम क्या है, ट्रेन मिलने वाले क्वेश्चन, ये टाइप का नाम है, आज के टाइप का नाम है। और हम जितने भी टाइप पढ़ाएंगे तो टाइप में हम खुद लिख दिया करेंगे, थंबनेल में लिख दिया करेंगे कि हम कब कौन सा टाइप पढ़ा रहे हैं। आज ट्रेन मिलने वाले क्वेश्चन, कल का टाइप होगा ट्रेन मिलने के बाद वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अब यहाँ पे क्या है, एक ट्रेन चली यहाँ से सुबह 6 बजे, माना ये स्थान है कानपुर, और 8 बजे ये इटावा पहुँच गई है। 8 बजे कहाँ पहुँच गई है, इटावा। एक ट्रेन कानपुर से 6 बजे सुबह चलकर सुबह 8 बजे इटावा पहुँच जाती है, जबकि दूसरी ट्रेन इटावा से 6 बजे चलकर कानपुर 9 बजे पहुँचती है, कानपुर 9 बजे पहुँचती है। सवाल ये है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेंगी या कितने बजे क्रॉस करेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, कितने बजे या कितने समय बाद, दोनों बनते हैं, कितने समय बाद क्रॉस करेंगे, कितने बजे क्रॉस करेंगी। सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठे हो, सभी लोग कमेंट करना कि इसका आंसर क्या है, सभी लोग कमेंट करना कि इसका आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर क्या है। नागिन कुमार सुबह वाली क्लास फ्री है, हाँ। रामकिशोर ने बोला है 7:07, शाबाश, बहुत अच्छे। दीपक कुमार ने बोला है 72 मिनट बाद मिलेंगी, बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन 72 मिनट को आप लिखेंगे 1:12, बिल्कुल सही आंसर है। रामकिशोर ने बोला है 7:12, बिल्कुल सही आंसर है। मन मोहित ने बोला है 72 मिनट, शाबाश, आप सबको समझ में आ गया है, इसका मतलब आप सभी लोग समझ गए हैं और सभी को समझ में आ रहा है, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो, जो लोग नहीं सीख पाए आखिरी बार देख लो। ये ट्रेन 6 बजे चली है, 8 बजे पहुंची है, जाने का समय 2 घंटे हुआ, इसके चलने का समय 6 है, पहुंचने का समय 9 है, जाने का समय 3 घंटा हुआ। हम ऐसी डिस्टेंस माने जो कट जाए, डिस्टेंस हमने 6 मान ली, हमने माना ये डिस्टेंस जो 6 मानी है, ये हमने डिस्टेंस मान ली कहाँ से, कानपुर से इटावा की डिस्टेंस मान ली है। उसे पूछा है कितने समय बाद मिलेंगे, आप सभी को पता है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, डिस्टेंस यहाँ पे 6 है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, समय है, भाग दे दिया, चाल आ गई, ये समय है, भाग दे दिया, चाल आ गई, टोटल चाल की बात करते हैं तो 5 मिल गया, ठीक है। 6/5 घंटे बाद मिलेंगे, 6 घंटे, 6/5 घंटे को हमने जैसे ही चेंज किया तो 1 सही 1/5 आ गया, 1 सही 1/5 आ गया। 1/5 घंटे को हमने मिनट में चेंज किया, जैसे मिनट में चेंज किया तो आ गया 1:12 बाद मिलेंगी, 1:12 बाद मिलेंगी। अभी बताओ चलने का समय कितना था, 6, तो 1:12 जोड़ दो, तो आपने जैसे ही 6 में 1:12 जोड़ा तो आंसर कितना है, 7:12 पे मिली। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा, आप सभी लोग इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सभी लोग कर लोगे, जितने भी सवाल जितने भी प्रैक्टिस सेट में दिए हों आप लगा लेना। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आता, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, ये बात सबको समझ में आ गई, शाबाश, बहुत अच्छे। अब क्या है, मिलने का समय पे ध्यान दीजिए, नए कॉन्सेप्ट का नाम है, ट्रेन कब मिलेंगी और जब मिलने के चलने के समय अलग अलग दिए हों। तो नया क्वेश्चन बताने चल रहा हूँ कि ट्रेनें कब मिलेंगी लेकिन जब चलने का समय क्या दिए हों, अलग अलग दिए हों, ठीक है। कैसे करेंगे, सुनना समझना। देखिए जैसे ये बोला गया कि एक ट्रेन कानपुर से शाम 5 बजे चलकर आगरा 9 बजे शाम को पहुंचती है,
शाम को चली है कानपुर से, ट्रेन चली है कानपुर से, ठीक है, और पहुंची कहाँ पे, आगरा। आगरा पहुंची है रात में 9 बजे, जबकि दूसरी ट्रेन 7 बजे आगरा से चलती है, 7 बजे आगरा से चलती है, और ये ट्रेन जो है 10:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंच जाती है, 10:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंच जाती है। पहला एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करेंगी, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करेंगी, क्वेश्चन आपका यही है, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करेंगी। तो आप सभी लोग पहले कोशिश करो, क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार सुनना। एक ट्रेन कानपुर से शाम 5 बजे चलकर आगरा सुबह 9 बजे पहुंचती है, 9 बजे पहुंचती है, जबकि एक दूसरी ट्रेन आगरा से शाम 7 बजे चलकर, ये आपको जो समय दिया है ये शाम का दिया है, और जिस प्लेस दिया है ये आगरा दिया है, आगरा से शाम 7 बजे चलकर 10:30 बजे 10:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचती है, बताइए दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करेंगी, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करेंगी, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करेंगी। रामकिशोर ने सबसे पहले आंसर दिया 7:56, बहुत अच्छे, देखते हैं अभी सही है कि नहीं है। तो आपके, मैंने आपके क्वेश्चन का ऑप्शन लिख लिया 7:56, कोई और कोई करता है, ठीक है रामकिशोर, मैंने आपका आंसर कमेंट देख लिया है 7:56, कुछ और आप सभी लोग कोशिश करें पहले। आप सभी लोग कोशिश करें, बलजीत ठाकुर ने बोला है 7:56, शाबाश बलजीत, देखते हैं और भी लोग कमेंट करें, और लोग कर नहीं पा रहे लग रहा अभी। और भी लोग कमेंट करें, श्याम जी ने बोला है 7:56, शाबाश श्याम जी। श्री ओम गौर ने बोला है 8:48, श्री ओम जी ने बोला है 8:48, तो आपका भी आंसर मैं लिख दे रहा हूँ 8:48, देखता हूँ सही है कि नहीं, मैं आपको समझाऊंगा कौन बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप क्लास पढ़ने के बाद आपको ना। दीपक ने बोला है 7:56, ठीक है शाबाश दीपक, कुछ कमेंट और भी लोग करो, और भी आप लोग पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हो क्या, नहीं लग रहा है, जितिन कुमार ने बोला है मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल ही परेशान मत हो जितिन, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। हरवीर सिंह जी ने बोला है और टीहू मिश्रा ने बोला है 7:56, शाबाश बहुत अच्छे, चलिए ठीक है, मतलब 90% लोगों का आंसर जो आ रहा है 7:56 ही आ रहा है, ठीक है 10 में से केवल एक आंसर आया है थोड़ा अलग आया है 48, बाकी सबने आंसर जो दिया है 7:56 ही दिया है, ठीक है चलो समझा रहा हूँ कैसे बनता है। तो रिक्की रिक्की कुमार जी नहीं आ रहा है, सुनो समझो कैसे करना है, देखो पहले कॉन्सेप्ट सीखना, इसमें कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल दिमाग लगाना है। पहली ट्रेन यहाँ से 5 बजे चली है, पहुँची 9 बजे है, पहली ट्रेन को लगने वाला समय 4 घंटे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, पहली ट्रेन को लगने वाला समय 4 घंटे, 7 बजे चली है 10:30 बजे पहुंची है, लगने वाला समय 3.5 घंटे हुआ, इसको लगने वाला समय कितना हुआ 3.5 घंटे हुआ, हमने एक ऐसा नंबर माना जो इन दोनों से कट जाए, एक ऐसा नंबर माना जो इन दोनों से कट जाए, तो हमने ऐसे नंबर को मान लिया 56 मान लो या 28 मान लो, कुछ भी मान लो, देखो ये 4 लिखा है 3.5 लिखा है, तो 4 और 3.5 से कट जाए मतलब 56 भी मान सकते हो 28 भी मान सकते हो, ठीक है देखो 4 का दुगना 8 होता है, 3.5 का दुगना 7 होता है, 8 और 7 से कट जाए 56, तो 28 भी इनसे कट जाएगा, 56 भी कट जाएगा, ऐसा नंबर एज्यूम करते हैं जो इनसे कट जाए, आप इनका एलसीएम भी बोल सकते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पे सुनना, तो ये तो ठीक है, आपने 28 में 4 का भाग दिया तो 4 सत्ते 28 हुआ, 3.5 का भाग दिया तो 8 हुआ, देखो पहली ट्रेन के जो चलने का समय है ये 5 बजे है, ये 5 बजे चलने का समय है, और इसके चलने का समय 7 बजे है, तो यहाँ पे एक ही ध्यान दीजिएगा, दोनों के चलने के समय अलग अलग हैं, यहाँ क्या है दोनों ट्रेन के चलने के समय क्या है अलग अलग हैं, तो हमें करना क्या होगा, हमें दोनों के समय को बराबर करना है, हम 5 को अगर 7 करते हैं, अगर हम 5 को 7 करते हैं मतलब पहली ट्रेन को 2 घंटे चलाएंगे, अगर हम 5 को 7 करते हैं इसका मतलब है पहली ट्रेन को 2 घंटे चलाएंगे, अच्छा ये तो अगर 2 घंटे चलाएंगे तो पहली ट्रेन 1 घंटे में 7 किलोमीटर जाती है, 2 घंटे में 14 किलोमीटर चली जाएगी,
1 घंटे में 7 जाती है तो 2 घंटे में 14 किलोमीटर चली जाएगी। अब सुनो, ये जो एक तरफ की डिस्टेंस थी कितनी थी, 28 थी। 28 में से इसने कितनी कवर कर ली है, 14। अगर तुमने इसको 7 बजे कर दिया तो यहाँ पे ये स्थान और ये स्थान की जो डिस्टेंस बची, 28 में से 14 कम हो गया तो 14 ही तो बची। तो यहाँ डिस्टेंस बची 14, और टोटल समय की बात करते हैं, चाल की बात करते हैं, ये पहली गाड़ी की चाल है, ये दूसरी गाड़ी की चाल है, और दोनों गाड़ी की चाल क्या है, 15 है। आपने जैसे इसको समय को मिनट में चेंज किया तो आ गया 56 मिनट बाद मिलेंगी, 56 मिनट बाद मिलेंगी। लेकिन 7 बजने के 56 मिनट बाद, 7 बजने के 56 मिनट बाद मतलब क्या हुआ, 7:56 पे मिलेंगे। शाबाश, जिनका भी आंसर 7:56 था वो सभी लोग सही थे। करने का मेथड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से इसे नोट कर लीजिएगा, एक बार और वीडियो को और देख लीजिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। कमेंट कर दें समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट कर दें समझ आया कि नहीं आया। कन्हैया कुमार, 8:52 गलत है, 9:56 गलत है, सही आंसर है 7:56। ये कमेंट करें समझ आए कि नहीं। आ देखो, अगर आपके मन में क्वेश्चन ये आ जाए कि सर अगर हम इस ट्रेन को आगे ना बढ़ाएं तो क्या करेंगे हम, तो मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ, अगर ट्रेन को आगे ना बढ़ाएं तो कैसे कर पाएंगे। आंसर देखो, मैंने बोला कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप क्वेश्चन को कैसे भी उठाओ, कुछ भी करो, आप सब कर लोगे। सुनना समय से, पहली ट्रेन को लगने वाला समय 4 घंटे, दूसरी ट्रेन को लगने वाला समय 3.5 घंटे। आपने ऐसा नंबर माना जो कट जाए, 28 माना, 4 का भाग दिया 7, 3.5 का भाग दिया 8। क्लियर है यहाँ से? पहली ट्रेन के चलने का समय 5 बजे है, इस ट्रेन के चलने का समय 7 बजे है। मैंने कहा इसको 7 कर लो तो भी समय बराबर हो जाएगा, या दूसरी ट्रेन को आप 2 घंटे पीछे खींच लो। ऐसा भी कर सकते हो कि आप ट्रेन को 2 घंटे पीछे खींच लो, मतलब 2 घंटे पहले ले आओ। तो 1 घंटे में 8 जाती है, 2 घंटे में कितना पहले आ गई, 16 आ जाएगी। 1 घंटे में दूसरी वाली ट्रेन 8 जाती है, 2 घंटे में कितना पहले आ जाएगी, 16 आ जाएगी। 28 में आपने 16 को जोड़ा तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 44 हो गई। कुल डिस्टेंस कितनी हो गई, 44 हो गई। अच्छा, टोटल स्पीड की बात करते हैं, इसकी चाल ये है, इसकी चाल ये है, दोनों की चालों का योग कितना हो गया, 15 हो गया। तो 44/15 का मतलब 2 से ही 14/15 हुआ। 14/15 को हमने मिनट में चेंज किया तो आ गया 2 घंटे 56 मिनट बाद मिलेंगी, 2 घंटे 56 मिनट के बाद मिलेंगी। दोनों ट्रेन के चलने का समय यहाँ पे 5 है, कितना है, 5 है। 5 में 2:56 जोड़ दोगे तो आंसर क्या आएगा, 7:56। 5 में आप 2:56 जोड़ोगे, आंसर कितना है, 7:56। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। जल्दी से कमेंट करें कि आपको ये बात समझ आ गई है, सबको समझ में आ गया। सबको समझ में आ गया, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर सभी लोग समझ गए हैं तो ठीक है। अब चलते हैं अपने क्लास नोट्स की ओर। क्लास नोट्स की पीडीएफ आपने डाउनलोड कर ली होगी। वीडियो पोस्ट होने के बाद इस पीडीएफ को भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, जो लोग नए हैं उनको देख लीजिएगा। तो अब चलते हैं क्लास नोट्स की ओर। क्लास नोट्स में क्या सवाल है, देखें समझें। यह आपका है टाइप 4। क्या है, टाइप 4। आप पहले सवाल पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। तो आपने आज के कॉन्सेप्ट तो सीख लिए हैं, और कुछ सवाल आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं उसको समझा देता हूँ क्या सवाल है, देखिएगा समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 3 व्यक्ति ABC क्रमशः 7 बजे 8 बजे 9 बजे समान दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करते हैं। बी पहले ए से मिलता है, बी पहले ए से मिलता है तथा एक पत्र वह ए को देता है, एक लेटर जो है वह ए को देता है। सी उसे जो उसे सी को देना है, ए को एक पत्र मिला है जो उसे किसको देना है, सी को देना है। सी को पत्र देने के लिए ए वापस हो जाता है, बताइए सी ए को कितने बजे पत्र देगा। तो उम्मीद है आप सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अगर ना पढ़ा हो तो बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ कैसे आपको करना है, मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ ठीक है। अगर क्वेश्चन स्पष्ट कम दिख रहा हो तो इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जब मैं वीडियो ये पोस्ट करूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ पेन के बनने वाले जितने भी सवाल हैं सारे यहाँ पे दिए गए हैं, मैंने अपनी हैंडराइटिंग में आपको लिख के दिए हैं ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, सवाल कैसे करना है ध्यान दीजिए, सुनिए। सवाल सभी ने पढ़ लिया होगा, ये 7 बजे 8 बजे 9 बजे चलते हैं, चाले हैं 4 5 6, चाले कितनी, 4 5 और 6। तो चलिए समझा रहे हैं क्वेश्चन कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए। एक स्थान है, यहाँ से 3 व्यक्ति चलना आरंभ करते हैं, यहाँ से 3 व्यक्ति चलना आरंभ करते हैं।
एक है ए, एक है बी और एक है सी। ये जो चलता है ये चलता है चार, सॉरी कितना कितना समय दिया था, 7 8 9। इसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी चाल दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। शायद ऐसा ही आपको दिया गया है, ठीक है। इनके जो चलने के समय हैं वो क्या क्या दिए गए हैं, पहले का समय दिया है सुबह 7 बजे, इसका समय दिया है 8 बजे, इसका समय दिया है क्वेश्चन में 9 बजे, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। और बोला गया है कि पहले एक पत्र जो है वो बी ने ए को दिया, बी ने ए को दिया, फिर ए उसे सी को देता है, फिर उसे वापस आता है, तो सी को कितने बजे वो लेटर प्राप्त होगा, ऐसा उसने बोला है। अच्छा एक ही बताऊं, जब ये 7 बजे चला है इसका मतलब है पहला व्यक्ति पहले 4 किलोमीटर चला गया होगा। पहला व्यक्ति जब यहाँ से 4 किलोमीटर चला गया होगा तो अब क्या होगा, यहाँ पे ए आ गया, कौन आ गया, ए आ गया, लेकिन बी तो अभी शुरुआत में है ना, और शुरुआत में इसकी चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ए 4 किलोमीटर आगे जा चुका है, ए जब 4 किलोमीटर जा चुका है तब बी ने चलना आरंभ किया है, ए जब 4 किलोमीटर जा चुका है तब बी ने चलना आरंभ किया है, ये बात समझ आ गई होगी। अब इसके बाद सुनना, इसके बाद समझना, देखो डायरेक्शन सेम है, आप सभी को पता है डायरेक्शन सेम में चालें घट जाती हैं। अगर आपको कंफ्यूजन होता हो डायरेक्शन सेम में चालें घटती हैं अपोजिट में घुलती हैं, तो आप थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सुनना, आपने ऐसी मूवी देखी होंगी जहाँ पे क्या होगा, ऐसी मूवी का मतलब कोई भी मूवी देख लो, जैसे आप कोई किसी मूवी की बात कर लो, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई विलेन भाग रहा है और हीरो उसका पीछा कर रहा है, विलेन भाग रहा है हीरो क्या कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, तो वो वाले जो सीन है कितनी देर तक चलते हैं, पहले विलेन भाग रहा है, फिर उसने पहाड़ पे चढ़ा, नदी क्रॉस की, जंगल में गया, हीरो उसका लगातार पीछा कर रहा है, तो वो वाले सीन क्या होते हैं, बहुत देर तक चलते हैं। क्यों चलते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, और एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं तो देर में मिलेंगे, मतलब क्या है, डायरेक्शन सेम है तो चालें क्या होती है, घटती हैं, देर में मिलते हैं। अब बात करते हैं ऐसी मूवी की, जैसे आपने लव स्टोरी देखी होगी, तो वहाँ पे क्या होता है, एक तरफ हीरो है एक तरफ हीरोइन है, और दोनों जब आपस में मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, और जब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो क्या होगा, जल्दी मिल जाएंगे ना, तो वाले सीन कितनी कम देर चलते हैं, आपने देखा होगा जब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं वो सीन कितनी कम देर चलते हैं, मतलब आए मिले मिल गए तुरंत सीन खत्म हो गया, तो वहाँ पे क्या, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो चालें क्या होंगी, जुड़ गई, और एक दूसरे के पीछे भागेंगे तो चालें क्या होंगी, घटेंगी। उम्मीद है अब आपको जिंदगी भर कंफ्यूजन नहीं होगा कि चालें कब जुड़ती हैं और चालें कब घटती हैं, क्लियर हो गया। अब सवाल क्यों चलते हैं, आपको मजा आ गया होगा, ठीक है, देखिए सुनिए समझिए। अब क्या हो गया, यहाँ पे जो ट्रेन है ध्यान दीजिएगा, इसकी चाल कितनी है, 5 है, और इसकी चाल जो कितनी थी, 4 थी, डायरेक्शन सेम है, चालों का अंतर लेंगे तो चालों का अंतर, जो चालों का अंतर आ गया वो 1 आ गया, इसकी चाल 4 है, इसकी चाल 5 है, चालों का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया, और डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है, 4 किलोमीटर, इसका मतलब है जो बी ए से मिलेगा वो 4 घंटे बाद मिलेगा, बी ए से कब मिलेगा, 4 घंटे बाद मिलेगा। अब इसी तो अगर 4 घंटे बाद मिलेगा तो जो 4 घंटे में बी डिस्टेंस चल सकता है वो 20 किलोमीटर जा सकता है, कितना जा सकता है, 20 किलोमीटर, और ए भी कितना, ये 4 पहले जा चुका था, 16 और गया, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे ए और बी एक साथ मिल चुके हैं, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे ए और बी एक साथ मिल चुके हैं, और ये कितने, 4 घंटे बाद मिला है, चलने का समय 8 है, तो यहाँ का जो समय होगा ये 12 बजे होगा, 12 बजे की स्थिति ये है कि ए और बी दोनों मिल चुके हैं। अब 12 बजे ए और बी दोनों मिल चुके हैं तो यहाँ पे 12 बजे हम देखते हैं सी की स्थिति क्या है, कि सी कहाँ पर है, हम देखते हैं कि जो सी की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, सी की चाल कितनी दी, 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, चलता कितने बजे है, 9 बजे, तो 12 बजे स्थिति की स्थिति ये होगी कि 3 घंटा चला होगा, कितना चला होगा, 3 घंटे चला होगा। अच्छा जब ये 3 घंटे चला होगा तो 6 × 3 कितना होगा, 18 किलोमीटर यहाँ पे ये चला है, इसका मतलब क्या है, अभी लेटर इसके पास है, यहाँ ए है, ए के पास एक पत्र है जो कि इसे सी को देना है, सी को देना है, लेकिन जो इनके बीच की डिस्टेंस बाकी है वो 2 किलोमीटर बाकी है, ऐसा उसने बोला है। यहाँ पे क्या है, ए इस पत्र को देने के लिए सी को वापस मुड़ता है, उसने क्या बोला है, वापस मुड़ता है, मतलब ए की जो चाल है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे है और जो सी की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, और यहाँ पे दोनों व्यक्ति जो हैं वो एक दूसरे की ओर आ गए हैं, दोनों व्यक्ति क्या है, एक दूसरे की ओर आ गए हैं, तो डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर, एक दूसरे की ओर आए हैं तो चालों का योग 10 हो गया,
डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, एक दूसरे की ओर आए हैं तो चालों का योग कितना 10 हो गया। आपने जैसे ही समय का गुणा कराया तो ये आ गया 12 मिनट बाद ये एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे। और 12 बजने के 12 मिनट बाद कितना बजेगा, 12 बज के 12 मिनट, 12 बजने के 12 मिनट बाद कितना बजेगा, तो आंसर क्या है, 12 बज के 12 मिनट पे ये काम जो उसने दिया था काम हो जाएगा, मतलब ए सी को पत्र दे देगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार दोबारा समझिएगा, अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना, मैं एक बार और समझा दूंगा। लेकिन कोशिश अपने आप करिए कि ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे अगर आप लोग मेरा साथ देंगे, अगर आप बोलेंगे हाँ सर समझ आ गया है तो आप समझ में कर पाएंगे सर। उम्मीद है ये बात सभी को समझ आ गई होगी, आप लोग कर पाएंगे तो जल्दी से कमेंट करें आपको ये बात समझ आई या नहीं आई, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, मैंने बिना फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट से आपको समझाया। अगर नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं आया है मैं दोबारा समझा दूंगा, जल्दी से कमेंट करें। रविकांत यादव जी ने बोला है हाँ सर आ गया, क्वेश्चन दीजिए सर, रिंकी कुमार ने बोला है ठीक है। तो रिंकी कुमार जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन की मैंने पीडीएफ, अभी जब वीडियो पोस्ट होगा तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लगा दी जाएगी जहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। दिनेश कुमार जी कह रहे हैं नहीं आया है, ये बीच में आए होंगे इसलिए नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा समझा दूंगा दिनेश, परेशान मत हो। सर जी एक बार फिर से बता दीजिए, इस्लाम खान जी बोल रहे हैं ठीक है बता देंगे। परवेज दास जी कह रहे हैं सर नहीं आया है, चलिए कोई बात नहीं, सुनो दोबारा समझो, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ फिर ध्यान दो सुनो। ये जो पीडीएफ है मैंने बोला कि इसमें प्रॉब्लम ऑफ पेन के जितने भी सवाल बन सकते हैं लगभग मैंने लिख दिए हैं, इसके जो क्लास नोट्स का इसका जो पीडीएफ है जब ये वीडियो पोस्ट होगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक लगा दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी ये सवाल आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एक बार और समझ लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पर जो चीज़ पढ़ाऊँ आपको आपको सबको समझ में आए ठीक है। दोबारा सुने, तीन व्यक्ति एबीसी क्रमशः 7 बजे 8 बजे 9 बजे समान दिशा में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करते हैं। बी पहले ए से मिलता है, फिर वह ए को एक पत्र देता है जो कि उसे सी को देना है, सी उस पत्र के लिए एक वापस हो जाता है, बताइए सी ए को कितने बजे पत्र देगा। ये आपके सामने क्वेश्चन था, आप सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, एक बार और समझा दे रहा हूँ, सुन लो समझ लो देख लो। यहाँ से क्या हुआ, एक ऐसा स्थान है जहाँ से तीन व्यक्ति ए बी सी चलना आरंभ कर रहे हैं। इसकी यहाँ पर जो ए की चाल है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो बी की चाल है ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो सी की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। यहाँ पे क्या हुआ, ये व्यक्ति 7 बजे चला, ये व्यक्ति 8 बजे चला और ये व्यक्ति 9 बजे चला। अब उसने बोला है कि पहले जो है वो बी ए से मिलता है, बी ए से कब मिलेगा, देखो जब ये 7 बजे चला है तो ए जो है ये 4 किलोमीटर आगे जा चुका है, 4 किलोमीटर आगे जा चुका है, क्योंकि 7 से 8 एक घंटे चला और एक घंटे में 4 किलोमीटर गए जाता है। अब क्या हुआ, देखो ए और बी की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम में चालें घटती हैं, ये बात आप कभी भी नहीं भूल सकते, मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर समझाया था। तो 4 और 5 का अंतर कितना हुआ, 1 हुआ, 4 किलोमीटर है, चालों का अंतर 1 किलोमीटर प्रति घंटे है, कितने समय बाद मिलेंगे, 4 घंटे बाद मिलेंगे। तो 4 घंटे में जो बी होगा ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो बी 20 किलोमीटर जा चुका होगा और यहीं पर ए होगा, ए 4 पहले गया था 16 बाद में गया, तो यहीं पर ए होगा, ए और बी दोनों मिल चुके हैं, ए और बी दोनों यहाँ पे मिल चुके हैं। अच्छा 8 बजने के बाद जब 4 घंटे और लगे हैं तो 8 4 12 बजे की स्थिति ये है, 12 बजे की स्थिति ये है कि ए और बी दोनों एक साथ मिल चुके हैं। अब यहाँ पे जब ए आ चुका है, अब उसने बोला है ए सी को पत्र देने के लिए वापस जाता है। अच्छा सी चला कितने बजे है, 9 बजे है, कितना बज चुका है, 12 बज चुका है, मतलब सी भी 3 घंटे चल चुका है। जब ये 3 घंटे चल चुका है, इसकी जो चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, 3 घंटे चला है, 18 किलोमीटर ये जा चुका है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर। देखो 2 किलोमीटर कैसे, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है, ये 18 गया है, तो डिस्टेंस बची कितनी है, 2। यहाँ से ए वापस जाता है, ए की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे,
और जो सी की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, और दोनों जो हैं एक दूसरे की ओर आते हैं। जब एक दूसरे की ओर आते हैं चालें क्या होंगी, जोड़ेंगी, दोनों की चालों का योग 10 हो गया है, किलोमीटर यहाँ पे 2 बोला है। आपने जैसे ही इसको चेंज किया तो आ गया 12 मिनट बाद मिल जाएंगे, 12 मिनट के बाद मिल जाएंगे। चलने का समय 12 था, 12 मिनट के बाद कितना बजेगा, 12:12। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है ये व्यक्ति 12:12 पे मिल जाएंगे। उम्मीद है ये बात सभी को समझ आ गई होगी, कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे सभी लोग, अब सभी को आ गया होगा। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये बुक। अगर ये क्वेश्चन जो है मैथ्स वैसा की बुक में भी दिया गया है, आप वहां से क्वेश्चन को देख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिएगा सवाल क्या है। पहले देखो, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर एक ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर वह 4 मिनट देरी से पहुंचती है। ट्रेन का वास्तविक समय क्या है, पूछा है ट्रेन का वास्तविक समय क्या है। तो आप सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, सवाल ये पढ़ लिया होगा। देखो, जब वो 36 से गया है 15 मिनट देरी है, 45 से गया है 4 मिनट देरी है, वास्तविक समय पूछा है, कैसे करना होगा ध्यान दीजिए सुनिए। देखो, जब वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला तो उसे 15 मिनट की देरी हुई, लेकिन जब वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला तो उसे 4 मिनट की देरी हुई, उसका वास्तविक समय पूछा है। अगर आप लोगों को ये पता है कि इसकी चालों का रेशियो, ये 36 दिया है, ये 45 दिया है, इसकी चालों का रेशियो जो हो गया ये 4:5 हो गया, तो इसके जो समय का अनुपात होगा, इसके टाइम का रेशियो जो हो जाएगा चाल के अनुपात का उल्टा हो जाएगा। चालों का अनुपात 4:5 है, समय का अनुपात 5:4 हुआ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, 15 मिनट देरी, 4 मिनट देरी, दोनों का अंतर हुआ 11 मिनट। 15 मिनट देरी, 4 मिनट देरी, अंतर कितना हुआ 11 मिनट। अब इसका अंतर कितना है, एक, एक का मान 11, तो ये हो गया 55, ये 11 5 55, और ये जो हो गया कितना हो गया 44, कितना हो गया 44। अब क्या करना है सुनो, देखो जब वो 36 से गया, सुनो, चाल कम है तो समय ज्यादा, चाल ज्यादा है तो समय कम, चाल कम है तो समय ज्यादा, चाल ज्यादा है तो समय कम। जब वो 36 से गया है तो वो 15 मिनट लेट हुआ था, समय जो आया है वो कितना आया है 55 मिनट आया है, और 15 मिनट लेट हुआ था तो सही समय कितना है, माइनस कर लिया आपने 40 मिनट। उम्मीद है आप सभी को इसका सही समय, इसका वास्तविक समय निकालना आ गया होगा। क्वेश्चन में इतना ही करना था और आप लोग सीख गए होंगे। जैसे अगर आप इसको ले लेते हैं तो जब उसे 44 मिनट लगे हैं तो वो 4 मिनट लेट हुआ है, 44 मिनट लगे हैं, 4 मिनट लेट हुआ है, तो बस क्या है 40 मिनट, 40 मिनट इसका क्या है वास्तविक समय है। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो आपको बोला गया है, अगला सवाल क्या है देखिए सीट में, अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा समझिएगा। क्वेश्चन ये है, 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। यदि इंजन में खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है, 1/4 कम हो जाती है, अतः उसे यात्रा पूरा करने में एक की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है, तो पूछा है, यहाँ पूछा गया है ए और बी की चालें यहाँ पे पूछी होंगी। चलिए ध्यान दें समझें कैसे करना है। देखो देखो, डिस्टेंस ये है ये ए की चाल, डिस्टेंस ये है ये बी की चाल, दोनों के समय का अंतर 45 मिनट, ये पहला समीकरण बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं। डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस ये है, यहाँ उसने बोला है समय का अंतर 30 मिनट हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है बी का समय ज्यादा है, ए से कितना ज्यादा है 30 मिनट, क्योंकि खराबी के कारण चाल उसकी कम हो जाती है, ऐसा सवाल में बोला था। तो यहाँ पे दो समीकरण बन गए। अब इन दो समीकरण से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया ध्यान देना, उसने बोला चाल को उसने क्या किया था 1/4 कम किया था, इसका मतलब ये है कि जब चाल को 1/4 कम किया तो चाल को 4 से 1 किया तो समय 3 से 4 हुआ, समय कितना हुआ 3 से 4 हुआ, ये बात समझ आ गई होगी। अब सुनना, यहाँ पे इसका अंतर था 45, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे समय ए का ज्यादा था, यहाँ पे समय बी का ज्यादा था, तो दोनों के समय का अंतर कितना हो गया 75 मिनट हो गया। 45 और 30 कितना हो गया 75 हो गया, अंतर एक, एक का मान 75 तो 4 का मान 300, और 300 का मतलब 5 घंटे, कितना हो गया 5 घंटे।
तो आपने इसमें जैसे ही 5 का भाग दे दिया, ये डिस्टेंस थी, समय 5 घंटे, तो कितना आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटे, ये इसकी चाल आ गई, इसकी आगे चाल आ गई। अब ये बताओ, अगर इसका एक की चाल आपकी आ गई है तो दूसरी की चाल अपने आप आ जाएगी। अगर एक की चाल आ गई है दूसरी की चाल अपने आप आ जाएगी, ऐसे भी कर सकते थे, एक का मान 75 है तो 3 का जो मान आ जाएगा वो 225 आ जाएगा। अब 225 को अगर आप चेंज करना चाहो तो देखो 450 किलोमीटर है, समय 225 मिनट है, इस मिनट को घंटे में चेंज किया, इससे काटा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो एक बार फिर सुन लो, समझ लो, तो पहली स्थिति में हम लोग आते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रेन की चाल यहाँ पे आ गई है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेन की चाल यहाँ पे आ गई है, तो एक ट्रेन की चाल जो आ गई कितनी आ गई, 90 आ गई है। आपने 90 यहाँ लिखा, भाग दे दिया, तो इसका जो समय आ गया कितना आ गया, 5 घंटे आ गया। तो 90 यहाँ लिखा, बी की चाल 90 आ गई थी, तो ए की चाल तुमने यहाँ से निकाली, तो ए की चाल यहाँ पे कितनी, 100 आ गई है। यहाँ पे देखो ये जो 120 आ रहा था वो क्यों आ रहा था, उसके पीछे सुनना, उसने बोला है बी अपनी चाल को एक चौथाई कम करता है या एक तिहाई कम करता है, जो भी उसने बोला है। तो वहाँ पे करना क्या है, क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट कम लेती है, तो पहले जो ट्रेन ए का समय है ट्रेन बी के समय से 45 मिनट क्या है, कम है। आगे उसने क्या बोला है, इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति एक चौथाई कम हो गई, तो यहाँ ट्रेन बी की गति कम हुई है ना कि ए की कम हुई है, और एक चौथाई कम का मतलब चाल को 4 से 1 कम किया, तो चाल को 4 से 3 किया है। आगे क्या बोला है, तो यह यात्रा को पूरा करने में ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है, तो यहाँ पे जो ट्रेन बी का समय है वो ज्यादा हो गया है, तो ये बी की चाल ये ए की चाल दोनों के समय का अंतर 30 हुआ। पहले ए का समय ज्यादा था, अब बी के समय का ज्यादा है, तो दोनों के समय का अंतर 75 मिनट हो गया। बी ने अपनी चाल को क्या बोला, बी ने अपनी चाल को एक चौथाई कम किया था, जो अपनी चाल को एक चौथाई कम किया, तो आप एक चौथाई का मतलब तो आप सभी लोग समझते हैं, जैसे उसने बोला एक चौथाई कम किया तो उसने अपनी चाल को 4 से 1 कम किया, तो चाल को 4 से 3 किया, चाल को 4 से 3 किया, तो समय 3 से 4 हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात समझ आ गई होगी। अब ये बताओ ये 4 का मान 300 कैसे आया, समय का अंतर 75 है, 3 4 का अंतर 1 1 का मान 75, तो 4 का मान 300, 3 का मान भी आ जाएगा, तो ये आएगा बी के पहले का समय और बी के बाद का समय, दोनों जो समय है वो बी के ही है, लेकिन बी के पहले का समय और बाद का समय है। अब क्या करना है, 300 मिनट का मतलब 5 घंटे हुआ, 450 में 5 का भाग दिया, ये घटने के बाद इसकी चाल आ गई 90, ये बी की चाल है घटने के बाद, तो घटने के पहले की चाल कितनी आ गई, 120। अगर बोला जाए बी की प्रारंभिक में चाल क्या थी, प्रारंभ में बी की चाल क्या थी, तो 120 है। अब बी की नई चाल क्या है, तो 90 है। अगर बी की चाल आ गई है तो ए की चाल भी आप लोग निकाल सकते हो, बस पहले समीकरण में ही हमने यहाँ पे बी की चाल यहाँ लिख दी, दूसरे समीकरण में ए की चाल निकाली। क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, अब तो टाइप क्लियर हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला सवाल के अगला क्वेश्चन देखें। एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पहले पढ़िएगा, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, इसकी समांतर पटरी पर 4 किलोमीटर से भागे जा रहे एक व्यक्ति को 25 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, तथा 30 मिनट के बाद यह एक स्टेशन को क्रॉस कर जाती है, स्टेशन से गुजरने के कितने समय बाद व्यक्ति उस स्टेशन को पार करेगा। बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, ठीक है, फिर सुनिए एक बार। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, तो आपने क्या किया, एक रेलगाड़ी बनाई जिसकी लंबाई लिखी 125 किलोमीटर, ठीक है, ये बात समझ आई। अब आगे उसने क्या बोला कि एक समांतर पटरी पर एक व्यक्ति है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो देखो डायरेक्शन सेम हो गई, चालों का अंतर आ जाएगा, डायरेक्शन सेम मतलब चालों का अंतर आ जाएगा, और 25 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है, तो देखो जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी लंबाई चलती है, 125 मीटर 25 सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज किया, इसकी चाल आ गई, और जो चाल आई ना 18 से उसने क्रॉस किया है, क्या किया, 18 से क्रॉस किया है, तो 18 से क्रॉस करने का मतलब आप ये कॉन्सेप्ट समझो, जब उसने 18 से क्रॉस किया है, ये ट्रेन है व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, तो हमने आपसे क्या कहा, ये डायरेक्शन सेम में चालों का अंतर होता है, यहाँ पे अगर x है तो क्या हुआ, x-4 = 18 हुआ, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 22 आएगा, मतलब जो ट्रेन की चाल है वो कितनी है, 22 है। अब ये बताओ अगर ट्रेन की चाल 22 आ गई, उसने बोला है ट्रेन की चाल 22 आ गई, ये डिस्टेंस आ गई है, तो उसने बोला है ये डायरेक्शन 4 हो गई है, तो 11/4 इतने समय बाद उसने बोला था
क्या बोला था, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आगे उसने क्या बोला है ये एक बार पढ़ लीजिए कि आगे उसने क्या बोला है। ट्रेन की चाल तो आ गई, ठीक है। 30 मिनट के बाद वह स्टेशन को क्रॉस कर जाती है, ट्रेन के गुजरने के कितने समय के बाद वह व्यक्ति उस स्टेशन को क्रॉस करेगा। तो 30 मिनट के बाद उसने एक स्टेशन को क्रॉस किया, तो ट्रेन के गुजरने के कितने समय, मतलब 30 मिनट में, 30 मिनट में चली गई जो दूरी हो गई, 30 मिनट में चली गई दूरी, 1 घंटे में ट्रेन की चाल आ गई कि 22 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 घंटे में ट्रेन चाल कितनी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटे। 30 मिनट के बाद उसने एक डिस्टेंस जो तय की होगी वो 11 किलोमीटर तय की होगी। 11 किलोमीटर ट्रेन ने डिस्टेंस तय की, व्यक्ति की चाल कितनी है, 4 है। तो इतने समय के बाद जो व्यक्ति होगा वो उस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगा। उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे, ये आप समझ गए होंगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ आया कि नहीं आया। हाँ, रवि सिंह भदौरिया जी कह रहे हैं सर बहुत लाइट लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ठीक है, कि ये जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको आराम से एक बार और देख लीजिएगा, ये सीट निकाल लीजिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। मैंने बोला यहाँ पर जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है थोड़ा अच्छा है, मैं एक बार और कोशिश कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, एक बार और समझा दे रहा हूँ, देख लो समझ लो, ठीक है। शायद अब देख रहा होगा, देख लो थोड़ा, शायद अब दिख रहा होगा, समझा रहा हूँ देखना, ठीक है, समझा रहा हूँ, शायद अब दिख रहा होगा। अब तो देख रहा है ना, ठीक है, एक बार और समझा दूं कि समझ में आ गया है। जल्दी से लिखो, आप ये कमेंट करो आपको ये चीज समझ आ गई है कि एक बार और समझा दें। दिख नहीं रहा है, प्लीज कुछ करिए। अब तो दिख रहा होगा ना रामकिशोर जी, अब तो दिख रहा है ना रोहित दुबे जी, अब दिख रहा है ना। अब दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल था और आप सभी ने नोट कर लिया होगा, सभी ने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। श्याम जी कह रहे हैं सर एक बार और समझा दे। सपना जी बोला यस सर आ गया। चलिए ठीक है, देखो सुनो, एक रेलगाड़ी जो 125 मीटर लंबी है, समांतर पटरी पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को 25 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, 30 मिनट के बाद एक स्टेशन को क्रॉस कर जाती है, रेलगाड़ी के गुजरने के कितने समय के बाद वह व्यक्ति उस स्टेशन को क्रॉस करेगा। तो चलिए मैं एक बार पूरा लिख के समझा दे रहा हूँ, सुनना समझो। देखो, तो आपने सभी दिन सीखा था कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई चलेगी, ये आप सभी ने सीखा था। ट्रेन की लंबाई 125 मीटर दी गई थी और पार करने का जो समय बोला था 25 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, 25 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो 125/25 किया तो 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया, कितना आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। कल ही मैंने आपको बताया था कि जब 18 किलोमीटर प्रति घंटे दिया हो का मतलब होता है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो आप इसे अगर चेंज ना भी करो तो सीधे क्या लिख सकते हो कि जो ट्रेन की चाल, ये डायरेक्ट दोनों ने जो पार किया है 18 की चाल से पार किया है, मतलब उस ट्रेन ने व्यक्ति को 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्रॉस किया है। ये बात समझ आ गई। अच्छा देखिए, तो अगर ट्रेन ने 18 की स्पीड से क्रॉस किया है, व्यक्ति की चाल यहाँ पे 4 बोली है, 18 से क्रॉस किया है उसने, तो पता है डायरेक्शन सेम है, चालें क्या होती है, घटती है। ये यहाँ पे x है और ये यहाँ पे 4 है, दोनों का अंतर क्या है 18 है। तो यहाँ से ट्रेन की चाल क्या 22 नहीं आ गई, ट्रेन की चाल कितनी आ गई 22 आ गई। अब ये ट्रेन जो है आधे घंटे में पुल को पार करती है, 1 घंटे में 22 किलोमीटर जाती है तो आधे घंटे में 11 किलोमीटर जाएगी। अब ये 11 किलोमीटर उस व्यक्ति कितनी देर में पार करेगा, यही तो सवाल पूछा है। और व्यक्ति की चाल कितनी बोली है, 4 बोली है, तो आंसर क्या है 2 से ही 3/4 घंटे के बाद वह व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगा। 2 से ही 3/4 घंटे के बाद वह जो व्यक्ति है उस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगा। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा, आप लोग इतना कर पाएंगे, ये पॉइंट सभी को समझ आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा ये चीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं क्वेश्चन और सिखा रहा हूँ, ज़रूर कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर समझ में आया है तो कुछ अच्छा लिखना, नहीं समझ आया तो जो कमियाँ उनको लिखना, मैं कोशिश करूँगा उनको सही करना, ठीक है। एक क्वेश्चन आप ही और देख लो, इसके बाद नया टाइप आपको कल करूँगा।
सवाल क्या है, पी और क्यू 27 किलोमीटर की दूरी पर हैं, दो रेलगाड़ी 24 किलोमीटर और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पी तथा क्यू से चलना आरंभ करती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, क्यू से कितने आगे बिंदु आर पर मिलती है, क्यू आर की दूरी क्या है। सवाल को समझिए कितना आसान आप कर सकते हो, देखना। देखो उसने यहाँ पे बोला कि ये दो स्थान है, ये यहाँ पे पी है और ये यहाँ पे क्यू है और दोनों आर पे जाके मिलते हैं, ठीक है। पी चालें कितनी कितनी दी है, 24 और कितनी दी है 18, तो इसकी चाल है 24 और इसकी चाल है 18, दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है 27 किलोमीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस दी गई है 27 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है ये बात समझ आ गई, चलिए अब सुनना। देखो डायरेक्शन सेम है, आपने सभी ने सीखा डायरेक्शन सेम है, चालें घटती हैं, तो 27 दोनों की चालों का अंतर अगर ले लें, दोनों की चालों का अंतर, तो दोनों की चालों का 6, 27/6 घंटे के बाद ये ट्रेनें एक दूसरे को मिल जाएंगी, 27/6 घंटे के बाद ये ट्रेनें एक दूसरे को मिल जाएंगी। अब उसने अगर ये पूछा कि क्यू से आर की दूरी बताइए, तो यहाँ पे गुणे 18 कर दीजिए, तो क्यू से आर की दूरी भी आ गई, खत्म। क्यू की चाल 18 है, 27/6 घंटे बाद मिलती है, गुणे 18 कर दो तो क्यू से आर की दूरी, और गुणे 24 कर दो तो पी से आर की दूरी। उम्मीद है सभी को समझ आया होगा, आप सभी ने कॉन्सेप्ट ये सीख लिए होंगे और समझ में आ गए। आज की क्लास कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करना। आपका सामने वाला बैच आज होगा, तो सामने वाले बैच में मैथन पढ़ा रहे थे, ऐसे जितने भी स्टूडेंट जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कल आपकी कल सैटरडे है, नौमी है, लेकिन मैंने आपकी ऑफलाइन क्लास रखी हुई है, ठीक है। तो कल ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, कल आपकी ऑफलाइन क्लास है। ऑफलाइन क्लास का जो मैं टाइम आपको बता देता हूँ, ये क्लास कल सुबह 8 से 12 है, 8 से 12, ठीक है। ये एक इस्ता क्लास है, हर शनिवार को हम लोगों का आपको पता होगा, जो बच्चे हमारे ऑफलाइन पढ़ते हैं, मैं सोमवार से लेके बृहस्पतिवार तक अर्थमेटिक पढ़ाता हूँ, फ्राइडे को एडवांस पढ़ाता हूँ। उसके अलावा ये जो क्लास है सैटरडे को, हमारा चपोता क्या है, एक नई थीम हमने स्टार्ट की है, वन डे वन चैप्टर हम लोग करते हैं, वन डे वन चैप्टर। तो कल हम लोग जो चैप्टर शुरुआत करेंगे पूरा खत्म हो जाएगा। क्लास का टाइम है सुबह 8 से 12। ये जो क्लास है कैसी है, ऑफलाइन है। कल शनिवार को ऑनलाइन क्लास नहीं होती है, कल मैथ की एक क्लास है 8 से 12 के बीच में, वन डे वन चैप्टर। जिन लोगों का NTPC का या जेल वार्डन का कोई भी एग्जाम लगा है तो आ जाइएगा, 8 से 12 आपको क्लास मिलेगी। ऑफलाइन क्लास में जो लोग आ सकते हैं वो आ जाइए। थैंक यू, आज इतना रखते हैं। वीडियो कैसा मिला है जरूर जल्दी जल्दी से कमेंट करिएगा आप लोग, और इसकी जो सीट है मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, आप उसको आराम से देख लीजिएगा। थैंक यू, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।